हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं तो हूँ सेफ, अपने घर में बैठा हूँ, शांति से बैठा हूँ, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और आप भी अपने घरों में सेफ ही होंगे यार। सेफ रहिए घर में और अपने घर वालों को सेफ रखिए। बाहर जाइए तभी जाइए जब नेसेसरी हो, और मास्क लगा के जाइए और हैंड सैनिटाइजर का पूरा पूरा यूज़ करिए। और वीडियो देखने से पहले आप अपने हाथ धो लीजिए, क्योंकि हाइजेनिक रहना चाहिए यार, कोविड का टाइम है। जी हाँ, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल आप देख ही चुके हो। तो आज की वीडियो पूरी राइडिंग गियर्स के ऊपर होने वाली है। मेरी प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है राइडिंग गियर्स के ऊपर, चीप राइडिंग गियर्स फॉर दी लॉन्ग ट्रिप्स लद्दाख एंड स्पीति, तो उसका आई बटन में लिंक आ रहा है, आप प्लीज़ जरूर जाके देखिए। वो एक बिगिनर्स के लिए है जिनका बजट ज़्यादा नहीं हो पाता लेकिन उन्हें घूमना पसंद है, तो वीडियो मैंने उनके लिए बनाई थी। तो गाइज, आज की वीडियो कुछ ऐसी होने वाली है जिसमें आपको मैं राइडिंग जैकेट के बारे में बताऊंगा, राइडिंग हेलमेट के बारे में बताऊंगा और उनके यूजेस बताऊंगा जिनसे मैं लॉन्ग ट्रिप कर चुका हूँ। तो गाइज शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो गाइज आप देख रहे हो कहाँ से आ गई जैकेट। तो ये जैकेट मेरी राइडिंग जैकेट है, जैसे कि आपने बहुत पिक्चर्स में देखा है इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो नीचे लिंक आ रहा है, फॉलो कर लीजिए। और ये जैकेट के बारे में आपको बताता हूँ, वही जैकेट मैंने परचेस करी थी करोल बाग से। इसका ऑनलाइन अगर आपको परचेस करना है तो ऑनलाइन इसका लिंक आ जाएगा नीचे की तरफ डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो ये जैकेट के बारे में खूबी बताता हूँ मैं आपको। ये जैकेट के अंदर रेन लाइनर है, विंटर लाइनर है, लेकिन अभी फिलहाल दोनों में से एक भी नहीं है क्योंकि मैंने निकाल रखे है क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो इसकी गेट्स की इसकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं। प्रोटेक्शन में आपको यहाँ पर एल्बो प्रोटेक्शन मिल जाती है, शोल्डर प्रोटेक्शन मिल जाती है और ब्रेस्ट प्रोटेक्शन मिल जाती है। आवाज़ सुन रहे हो? तो ये जो प्रोटेक्शन है ये आपको राइडिंग में बहुत काम आती है। जब आप बाई चांस खुदा ना खास्ता आप गिरते हो तो बहुत काम आती है आपकी, क्योंकि आपको चोट लग जाएगी, सबको दर्द होता ही होता है। तो ये जैकेट बहुत बचाव करती है। मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद यूज़ करी है इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये जैकेट इसकी मिटार की है, इसकी मिटार आप देख रहे हो। ये एक इंडियन ब्रांड है जो स्पार्टन गियर से इसका जुड़ा हुआ है। स्पार्टन गियर एक अच्छा ब्रांड है हेलमेट्स के अंदर। तो इस जैकेट में आपको मतलब गर्मी लग रही है ना यार, तो ये जैकेट के पीछे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है स्किमी डार की। और ये पूरा रिफ्लेक्टर है, रात के टाइम चमकता है। तो ये पूरी बैक प्रोटेक्शन है। बैक प्रोटेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ किस क्वालिटी का, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ ऐसी क्वालिटी का है, गत्ते की क्वालिटी का है। गत्ते से थोड़ा, गत्ता नहीं कहेंगे इसको, एक अलग चीज़ कहेंगे, मुझे याद नहीं आ रही क्या बोल सकते हैं उसको। तो और सेम टू सेम जो चीज़ है शोल्डर और एल्बो प्रोटेक्शन में वह कुछ इस तरह की मिलती है, ये देखिए। तो ये सारे सीई लेवल 2 आर्मर है इसके अंदर, देख रहे हो आप। तो ये लेवल 2 आर्मर है जो कि आपको मार्केट में, ये जैकेट का जो कॉस्ट है ये मेरे को पड़ा था 5900 का है, ऐसे कुछ पड़ा था, 6000 के अप्रॉक्स आपको इसकी मिटा के लेवल 2 जैकेट मिल जाती है। तो इस जैकेट के अंदर प्रोटेक्शन आप देख ही चुके हो, और इसे एक्सपीरियंस आपको देखना है अगर वीडियो के अंदर, तो आई बटन में लिंक आ रहा है स्पीति प्लेलिस्ट का, वो आप पूरी प्लेलिस्ट देखिए। पूरी ट्रिप में मैंने ये पूरी जैकेट यूज़ की है और जैकेट गंदी बहुत हुई है और काम भी बहुत आई है। तो गाइज मतलब फ़ायदेमंद है बहुत जैकेट, और बजट के अंदर है आपके, 6000 रुपये के अंदर ये जैकेट आपको मिल जाएगी आराम से। तो मैं तो कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ ये जैकेट जो कि बहुत काम की है आप लोगों के लिए। बात करते हैं ग्लव्स की, क्योंकि आप पहाड़ों पर अगर जाते हैं तो वहाँ सर्दी तो होती ही होती है, गर्मी का सीन ही नहीं होता। तो आप जब भी पहाड़ों पर जाएंगे तो आपको विंटर ग्लव्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये विंटर ग्लव्स मैट बाइक के मैंने लिए थे। तो ये ग्लव्स मतलब विंटर्स में इतने काम तो नहीं आते, फिर भी आपको अंदर एक वार्मर पहनना पड़ता है पतले से कपड़े का जो कि बहुत वार्म होता है, तो इसके अंदर उसके ऊपर एक ग्लव्स पहन सकते हो, तो आपको विंटर ग्लव्स बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो ये हेलमेट है मेरा एग्जॉर विविड एडिशन, लिमिटेड एडिशन। तो ये हेलमेट का मैंने पूरा अनबॉक्सिंग वीडियो बना रखा है आप लोगों के लिए, आई बटन में उसका लिंक आ रहा है, डू चेकआउट। और पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि उसमें मैंने दो हेलमेट का कंपेरिजन किया है, स्टड्स और स्टील बट का, दोनों का हेलमेट मैंने कंपेरिजन किया है इस हेलमेट के साथ। तो आप वीडियो को पूरी देखिए। ये हेलमेट की कॉस्टिंग मेरे को पड़ी थी 5000 रुपीज़ की, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन 1400 का ही है, अप्रॉक्स मैं आपको अमाउंट बता रहा हूँ। ये मेरे को पड़ा था 4600 का, इसका ऑनलाइन लिंक आ जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक।
तो गाइस ये साइड में ब्लूटूथ देख रहे हो, ब्लूटूथ इंटरकॉम, तो ये इंटरकॉम ही बहुत काम का है जब आप राइड करते हो, जब आप मतलब लॉन्ग राइड करते हो तो आपको महसूस होता है कि आपके पास लोगों से जो आपके को राइडर्स हैं उनके साथ कनेक्ट होना चाहिए आपको, तो ये बहुत कनेक्टिविटी में अच्छा काम करता है। इसमें से 6 राइडर कनेक्ट हो सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो है जो मैंने बना रखी है, आई बटन उसका लिंक आ रहा है, आप चेकआउट करिए। तो छोटा मोटा लगेज रखने के लिए मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ एक छोटा सा टैंक बैग, जो कि बहुत फ़ायदेमंद है और छोटा है, ज़्यादा जगह भी नहीं घेरता। तो ये टैंक बैग मैं यूज़ करता हूँ अपनी राइड पे। ये टैंक बैग जो है गॉड्स का है और इंडियन ब्रांड है गॉड्स, जैसे कि आपको पता है। तो ये जो इसके अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी ठीक ठाक है, यहाँ पर पॉकेट्स है, नीचे ही पॉकेट्स है, मतलब इसके अंदर मेरा जो ब्लॉगिंग का सेटअप है सारा आ जाता है। और अगर मैं ब्लॉगिंग का सेटअप ना रखूँ तो मेरे एक दिन के कपड़े आराम से आ सकते हैं, जीन्स, टी शर्ट, और साइड में स्मॉल पॉकेट्स है। ये इसका रेन कवर है, तो मैंने पूरा पूरा यूज़ किया है राइड पे, तो यूज़ करके मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और अगर आपको इसको बाइक पे लगाना नहीं है टैंक बैग के ऊपर, तो आप इसको अपने शोल्डर के ऊपर शोल्डर के ऊपर लगा सकते हो एज अ बैग, शोल्डर स्ट्रिप्स है ये, तो इनका आप यूज़ कर सकते हो जब यह बाइक पे नहीं लगा रहे हो तो। और सबसे मेन चीज़ है इस बैग की कि यहाँ पर आपको एक स्क्रीन मिल जाती है, यहाँ पर आपको एक कवर मिल जाता है। इस कवर के अंदर आप फ़ोन डालेंगे अपना और फ़ोन ईजिली चल सकता है आपके ग्लव्स के थ्रू। तो ये मेरे को अच्छी चीज़ लगी इसकी, राइड बहुत काम आता है। अगर आपको किसी को कॉल करना है, कुछ करना है कॉन्टैक्ट, तो आपको अपने ग्लव्स उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आराम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाइक चलाते हुए भी। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, एक बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके सब्सक्राइब से और लाइक से। तो गाइस कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, मैं ऐसी कंटेंट आपके लिए लेके आते रहूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर से बाहर ना निकलिए, मास्क लगा के निकलिए, हैंड सैनिटाइजर का बहुत यूज़ करिए और सेफ रहिए, अपने घर वालों को भी सेफ रखिए। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।